तीन चार लोग बैठ के अपने मनपसंद लोगों को सेनेट की टिकटें दें। अब तो ये देखें, ये अबड़ो जो है उसके लिए मैं बात नहीं करना चाहता, वो इस काबिल नहीं है कि मैं इसका जिक्र भी करूं। 35 करोड़ में ये टिकट बिकाए। 6 महीने पहले वो पार्टी में आया, तो किस बुनियाद पे, किस मेरिट पे टिकट? सेनेट इंतखाबात पर पीटीआई में इख्तलाफात, रहनुमाओं के एक दूसरे पर इल्जामात। लियाकत जतोई ने इल्जाम लगाया कि तहरीक इंसाफ ने सेनेट के टिकट फरोख्त किए। 6 माह कबल पैराशूट से आए मशकूक शख्स को टिकट दे दिया गया। सैफुल्ला अबड़ो ने 35 करोड़ में सेनेट का टिकट लिया। 3 आदमी टिकटों का फैसला करते हैं, मुझसे मशावरत नहीं की गयी। आपने कहा है कि 35 करोड़ में टिकट बेचा गया है। मैं मिडिल क्लास का आदमी हूं, आपने जो बेहुदा इल्जाम लगाए हैं तो ये आपको साबित करना पड़ेंगे। मैं खान साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, मैं उनका एहसान मंद हूं पार्टी लीडरशिप का, जिन्होंने मुझ पे एतमाद किया और एंटी दर्शन के अवाम को ये सीट अदा की। सैफुल्ला अबड़ो ने लियाकत जतोई के इल्जाम को बेहुदा करार दे दिया। कहा, बहुत दिनों से मेरे खिलाफ लॉबिंग हो रही थी लेकिन खामोश था। मिडिल क्लास से ताल्लुक रखता हूँ, टिकट का फैसला इमरान खान ने किया। लियाकत जतोई खुद सैनेट टिकट के उम्मीदवार थे। इल्जामात पर लियाकत जतोई को हद के इज्जत का नोटिस भेज रहे हैं। अब इनसे अदालत में मुलाकात होगी। वजीर आजम की श्रीलंकन हम मनसब से मुलाकात, वफूद की सतह पर मुजाकरात। जनूबी एशिया में मुआशी इस्तेहकाम और अमन के लिए मिलकर काम करने पर बातचीत। पाकिस्तान और श्रीलंका का मुख्तलिफ शोबों में मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। सियाहत, सरमायाकारी, तालीम, टेक्नोलॉजी के शोबों में एमओयूज पर दस्तखत। वजीर आजम इमरान खान ने ट्वीट किया कि श्रीलंकन वजीर आजम के साथ मुख्तलिफ अमूर पर बातचीत हुई। वजीर आजम इमरान खान की श्रीलंकन को सी पैक में शमूलियत की दावत। कहते हैं, पाकिस्तान सी पैक का अहम जुज है जो इलाकाई रवाबित के फरोग की नई राहें खोलेगा। सी पैक से जरिया राबते श्रीलंका और वस्त एशिया तक बढ़ाए जा सकते हैं। श्रीलंकन वजीर आजम राजापक्से का उर्दू में ट्वीट। कहा, इमरान खान का दौरा दोनों मुल्कों के तल्लुकात को फरोग देगा। इलेक्शन कमीशन ने ममनुआ फंडिंग की तहकीकात का दायरा कर बढ़ा दिया। 19 बड़ी सियासी जमातों के सरबराह आज तलब, नोटिस जारी। पार्लियामेंट में मौजूद तमाम सियासी जमातों के 2014 से 18 तक के बैंक अकाउंट्स की छानबीन की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर नोटिस जारी किए। मर्दमशुमारी के नताइज पर सियासी जमातों के खदशात, वफाकी हुकूमत ने 12 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। डिप्टी चेयरमैन मनसूबाबंदी कमीशन जहांजेब खान कमेटी के सरबराह मुकर्रर, एमन जुबैर, सरवर गोंदर, डॉक्टर जीएम आरिफ, मोहम्मद निजामुद्दीन, ख्वाजा मजहर जमाल और दीगर कमेटी में शामिल। कमेटी 2017 की मर्दमशुमारी के नताइज, डाटा कलेक्शन और दीगर मामलात का जायजा लेगी।